महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। दृष्टि साधन की महिमा शीर्षक। प्यारे लोगों, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई सो जेहि बनाए, जो जेहि कला कुशलता कह सो सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी, बहई गज भारी। ज्यों सरकरा मिलई सिकता मह बलते नहीं बिलगावै, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपील का बिनु प्रयास ही पावै। सकल दृश्य निज उदर मैली सोवै निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत योगी। शोक मोह भय हर्ष दिवस निषिदेश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। अविगत गति कछु कहत न आवै, ज्यों गुंगही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै, परम स्वाद सब ही ज्यों निरंतर अमित तोष उपजावै। मन वाणी को अगम अगोचर सो जानै सो पावै, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब मन चकित चक्रित धावै। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर, सगुण लीलापद गावै। भक्त सूरदास जी, स्थूल मंडल में जहाँ तक स्थान है वहाँ तक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई और मोटाई होती है। स्थान हो और इन पांचों में से एक भी नहीं हो, असंभव है। स्थान में ये पांचों होते ही हैं, इसलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई और मोटाई जहाँ है वहाँ स्थान है। बिंदु में स्थान है किंतु उसका परिमाण नहीं है। बिंदु में स्थान है किंतु उसका परिमाण नहीं है। रेखा में लंबाई है चौड़ाई नहीं, रेखा में लंबाई है चौड़ाई नहीं, किंतु परिभाषा के अनुकूल बाहर में बिंदु या लकीर नहीं बन सकती। दृष्टि साधन से बिंदु देखने में आता है, जहाँ स्थान है वहाँ समय है, देश है समय नहीं और समय है देश नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ देश काल नहीं है वहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और गहराई कुछ नहीं है। परमात्मा देश कालातीत है तथा सर्वव्यापी है। समय और स्थान माया में है, माया से ऊपर समय और स्थान नहीं हो सकते। परमात्मा में लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई और ऊंचाई मानने से वह माया रूप हो जाएगा, जिसमें विस्तृत तत्व या फैलाव नहीं है। वह कैसा है बुद्धि में नहीं आ सकता, इसलिए वह बुद्धि से परे है। परमात्मा निर्विकार है, वह विस्तृत तत्व रूप नहीं है। कायल कम कर रहे हैं, रूम में रहिए ना आप, सीटी नहीं मारे। रूम में बैठा ना था, आवाज कम मत कीजिए। रूम में बैठिए ना आप, रूम में बैठिए। आप सीटी मार रहा है, आप ही को बेसी मार रहा है सीटी।
समय नहीं और समय है देश नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ देश काल नहीं है वहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और गहराई कुछ नहीं है। परमात्मा देश कालातीत है तथा सर्वव्यापी है। समय और स्थान माया में है, माया से ऊपर समय और स्थान नहीं हो सकते। परमात्मा में लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई और ऊंचाई मानने से वह माया रूप हो जाएगा। जिसमें विस्तृत तत्व या फैलाव नहीं है वह कैसा है, बुद्धि में नहीं आ सकता, इसलिए वह बुद्धि के पड़े है। परमात्मा निर्विकार है, वह विस्तृत तत्व रूप नहीं है। सब फैलावों में रहते हुए वह उन सब से बचकर है। उसी परमात्मा स्वरूप को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने देश काल तह नाही कहा है। लोग कहते हैं कि श्री सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। वे कहते हैं अविगत गति कछु कहत न आवे, वो नहीं विगत खाली। अविगत अर्थात सर्वव्यापी, सर्वव्यापी की महिमा को कुछ कह नहीं सकते। इसका मतलब यह नहीं कि वह है ही नहीं, बल्कि वह ऐसा है कि उसके विषय में कहने में कुछ नहीं आता। प्राप्त होने पर भी उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जैसे गूंगा किसी मीठे फल के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार अविगत की प्राप्ति तो होती ही है, किंतु उसका वर्णन करने के लिए जिह्वा में शक्ति नहीं है। भीतर ही भीतर अच्छा लगता है, कहने में नहीं आता। उसे पा लेने से क्या होता, तो कहा परम स्वाद जो उसको पाता है उसको सर्वोत्कृष्ट स्वाद मिलता है। सब स्वादों में से जो बढ़कर स्वाद है वह उसको मिलता है। जब कोई उसको पाता है तब से उसका स्वाद उसे बराबर लगा ही रहता है, एक पल क्षण में भी नहीं छूटता। वह अमित संतुष्टि को पाता है, उसको पा लेने पर इच्छा ही नहीं हो रहेगी। इच्छा में रहकर ही मन चंचल होता है, उसको संतुष्ट नहीं कहते कि भूख लगी खा लिया, फिर पच गया तो भूख लगी। वह संतुष्टि ऐसी है कि फिर और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती। मन और वचन की बहुत से बाहर है। यदि मन वचन के बाहर नहीं होता तो मन जानता और वचन से वर्णन होता, किंतु वह वैसा नहीं। मन वचन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। रूप नहीं, रेखा नहीं और गुण भी नहीं, त्रिगुणातीत है, किसी किस्म का नहीं है, कहने के लिए युक्ति नहीं है। इसलिए परमात्मा स्वरूप के विषय में केवल माया तक ही गति वाला मन गौ गौचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। रामचरितमानस बिना अवलंब के चक्कर खाता रहता है। इसी कारण से श्री सूरदास जी ने सगुण लीला के अनेक पदों को गाया है। वहाँ जाने के लिए, उसका कुछ प्रकाश देखने के लिए श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, नयन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी विनिशय नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। ऐसा देखने का ढंग जानो और करो तो प्रकाश देखोगे। सूर्य उदय के पहले जैसे थोड़ा प्रकाश मालूम होता है, फिर लालिमा देखते देखते सूर्य को देखते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म को देखने के लिए
पहले प्रकाश देखने में आता है, फिर ब्रह्म को देखते हैं, देखने के लिए दृष्टि साधन करो, परंतु यह न समझो कि दृष्टि साधन करके देख सकने पर भी वह देश कालातीत परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। अस्थूल जरूरत नहीं, वह नाद रूप है, शब्द रूप शिवलिंग है, शिवलिंग के नीचे जलधरी रहती है, उसी प्रकार उस नाद के नीचे बिंदु है, शिवलिंग नाद है और बिंदु शक्ति चिन्ह रूप जलधरी है। जो साधन करें उसको ये अपने अंदर में प्रत्यक्ष होंगे, जो अच्छी तरह कोशिश करें तो अवश्य देखेगा ये कोई ऊंचे दर्जे की चीज़ें नहीं हैं, नीचे की ही हैं, किंतु मन को पवित्र रखना जरूरी है। जिसका मन पवित्र नहीं है वह उसे देख नहीं सकता। नाद का अर्थ है शब्द और बिंदु का अर्थ है छोटे से छोटा चिन्ह, जिसमें परिणाम नहीं केवल स्थान है। वह बिंदु है, बाहर में ऐसा चिन्ह नहीं हो सकता जो आँख से देख सकते हो। कोई भी आकार या दृश्य बिंदु के बिना बन नहीं सकता। कोई चित्र बनाओ, पेंसिल रखने से जो पहले चिन्ह उदय होगा वही बिंदु होगा, फिर उसी को बढ़ाकर लंबाई चौड़ाई बनाकर आकार बनाते हैं। इसलिए बिना बिंदु के कोई आकार नहीं बन सकता। असली बिंदु को कोई यौगिक दृष्टि से देख सकता है, उसके लिए किसी पेंसिल वाल कलम की जरूरत नहीं। अपने दृष्टि की नोक जहाँ दृढ़ता से ठहरा रखेंगे वहीं बिंदु उदित होगा। बिंदु जलधरी है, जलधरी पर शिवलिंग खड़ा रहता है, उसी प्रकार जहाँ बिंदु उदित होता है उसके ऊपर नाद खड़ा हो जाता है। संसार में बिना शब्द के कोई जगह नहीं है। शब्द कैसे होता है? शब्द संघर्ष से होता है, गति से होता है। गति कहते हैं चलने को, कंप को। तारे चलते हैं, पृथ्वी चलती है, सबकी गति में शब्द होता है, किंतु आप सुन नहीं पाते। गति में ध्वनि है। संसार में सब पदार्थों की गति है। बिना शब्द के संसार का एक रत्ती भी खाली नहीं। हम लोगों का शरीर बढ़ता है, इसमें भी गति होती है, इसके शब्द को सुन नहीं पाते। नाड़ियाँ चलती हैं, इससे भी आवाज़ होती है। जहाँ कुछ गति है, संचालन है, वहाँ ध्वनि है। संसार गतिशील है, इसलिए संसार शब्द से भरा है। आपके शरीर में भी शब्द है। स्थूल शब्द को डॉक्टर लोग कान में यंत्र लगाकर सुनते हैं, किंतु बारीक शब्द को नहीं सुन सकते। बारीक शब्द तब सुन सकते हैं जब आप बिंदु को प्राप्त कर लें। बिंदु को प्राप्त करने वाला उस सूक्ष्म शब्द को सुन सकता है। वह शब्द शिव रूप है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव का अर्थ कल्याणकारी है। उसको जो प्रत्यक्ष करता है उसका कल्याण होता है। बिंदु में जो अपने मन को समेटता है, दृष्टि को समेट कर देखता है, तो उसमें शक्ति आ जाती है। फैलाव में शक्ति घटती है, सिमटाव में शक्ति बढ़ती है। उसकी दृष्टि सिमट गई है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। रूप या दृश्य का बनना बिना बिंदु के नहीं होता। इसलिए सब दृश्य का बीज बिंदु है। किसी आकार और दृश्य का आरंभ एक बिंदु से होता है।
और जिसका अंत एक बिंदु पर ही होता है। दृश्य जगत का बीज बिंदु है और अदृश्य जगत का बीज शब्द है, जिसकी वृत्ति शब्द रूप शिव को पकड़ लेती है वह सारी सृष्टि को अंत कर जाता है। उसे मोक्ष के साथ परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रवचन खगड़िया जिला अंतर्गत ग्राम मानसी में दिनांक 24/2/1953 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।